आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। नमस्कार, आपका भाई मैं तरुण मीणा आदिवासी आप सबके बीच सर्वप्रथम मेरे सभी आदिवासी समाज में शहीद पूर्वज जो हमारे हुए हैं उन सभी को नमन करता हूं। मेरे पूर्व वक्ता मेरे बड़े भाई जो यहां पर सभी मौजूद हैं उन सभी मेरे आदिवासी भाइयों को नमन करता हूं। मैं इस आदिवासी धरती को नमन करता हूं, इस नगरी को नमन करता हूं जिसने कई सूरवीर यहां पर पैदा हुए शहीद हुए। आप लुंगड़ी बल्ली उठाकर देख लो, आप कहीं यहाँ के इतिहास उठाकर देख लो, इतिहास को सिर्फ छुपाया गया है। हमारा जो इतिहास रहा उसको छुपाया गया, लेकिन वो छुपेगा नहीं। क्यों नहीं छुपेगा? क्यों नहीं छुपेगा? क्योंकि आज जो ये भीड़ लगी है, ये जमघट लगा है, उस इतिहास को दोहराने की बात आ गई है। यहाँ मानगढ़ होगा, यहाँ लीलूड़ी बलड़ी होगा, फिर से आदिवासी इस भारत देश पर, इस दुनिया पर राज करेगा। आप सभी के लिए तहे दिल से मैं कहना चाहूंगा कि बहुत खुशी की बात है कि जहां पर राजनीतिक पार्टियों की कहीं मीटिंग होती है या कोई धर्म सभा होती है, लोग एक दूसरे को पैसे देकर बुलाते हैं कि बाइक पर तेल भरवा देना, बस लाना, ट्रक लाना, टेम्पू लाना, वहां से भीड़ आती है। और मैं देखकर इतना खुश हूँ, ये मेरे युवा साथी माताएं बहने अपने खुद के पैसों का गाड़ी में पेट्रोल भरवा कर खुद की हिम्मत से घर के सारे काम छोड़कर आज की मजदूरी छोड़कर आज इस सभा में आए। आप सभी से मैं आपकी शुरुआत में और मुख्य जो मुझे दुख है वो ही मैं कहना चाहूंगा। भिंडवाड़ा से मैं बिलोंग करता हूँ। 2017 में भिंडवाड़ा जेआर कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष था, तब से मैं काफी एक्टिव रहा हूँ मेरे आदिवासी भाइयों की मदद के लिए। सारी कुछ चीजें मैंने भिंडवाड़ा बैंक में किसी अदर जाति के आदिवासी के अलावा गैर आदिवासी को कभी लाइन पर लगे हुए नहीं देखा। बैंक में जाए तो आदिवासी परेशान हो रहा है, पोस्ट ऑफिस में आदिवासी, हॉस्पिटल में आदिवासी, कोर्ट के बाहर जाते आदिवासी, और थानों में परेशान हो रहा है आदिवासी। क्यों भाई, क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने शिक्षा नहीं ली है। आगे बात मैं तभी करूंगा, मेरे साथ एक शपथ लीजिए आप सभी, सब हाथ आगे कीजिए। सभी आदिवासी मूल निवासी इस देश के हाथ आगे कीजिए। मैं आदिवासी आज ये शपथ लेता हूँ, आज ये शपथ लेता हूँ, मैं खुद शिक्षा लूंगा, परिवार को शिक्षा दूंगा, मेरे परिवार को शिक्षा दूंगा, मेरे बच्चों को शिक्षा दूंगा, और इन सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ चंद लाइनें दो सुनाऊंगा, उसके बाद वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बहुत समय हो गया, बहुत ज्यादा आपने समय दे दिया। मैं उन सभी को जो आदिवासियों को कमजोर समझते हैं, कि जो सोचते हैं कि आदिवासी सिर्फ मानगढ़ या लीलूड़ी बदली या ऐसे कहीं बड़े बड़े जो युद्ध हुए हैं उनमें ही शामिल हुए, फिर से वो हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, उन सभी के लिए जो आदिवासियों के बारे में बुरा सोचते हैं कि दरिया तेरी अब खैर नहीं, दरिया तेरी अब खैर नहीं, गुंडों ने बगावत कर ली है, नादाना समझ गुजलिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, ये तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब जोहार आप सभी का।